KSN 24 पल पल की खबर। कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत गौरमाटी क्वारंटाइन सेंटर में 80 प्रवासी मजदूर ठहरे हुए हैं, जिसमें एक साथ जेंट्स लेडीज 17 लोग रुके हुए हैं। उसमें गर्भवती महिला भी शामिल है, जिन्होंने बताया कि समय पर खाना नहीं दिया जाता है, जहां बच्चे भूख से चिलचिलाते हैं और ना ही नाश्ता दिया जाता है। खाना 11 से 12 बजे तक ही दिया जाता है, जिसके कारण सुबह बच्चों की भूख मिटाने के लिए घर से खाना मांगना पड़ता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि लेडीज जेंट्स सभी लोग एक ही शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, जहां पर शौचालय भी टूटा फूटा ओपन डोर है, जिसकी वजह से मल मूत्र बाहर की ओर निकलकर गंदगी से भर चुका है। चारों तरफ बदबू आ रही है, जिस पर लोगों का कहना है कि कोरोना से पहले बदबू से बीमार हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि करने हमारे KSN 24 न्यूज़ की टीम ने जब सरपंच से बात करने चाहे तो उनका कहना था कि शौचालय गंदगी की जानकारी नहीं थी, उसे तत्काल साफ किया जाएगा और सुबह नाश्ता का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी प्रकार रणवीरपुर क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे लोगों के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। अच्छा, एक बात बताओ, क्वारंटाइन सेंटर में आप कब ले हो? क्वारंटाइन सेंटर में हम सर 10 तारीख के आए हम। 10 तारीख से आप यहाँ क्वारंटाइन हो? हाँ। आज तो नाश्ता वगैरह मिलते सुबह आप लोग? नाश्ता उस तो देखो दिन नहीं आए साहब, बाकी चाय है एक दो दिन देर ही से। हाँ, जनसंख्या ज़्यादा हुई से एकर कारण से बंद कर दे। हाँ। और कल एक टाइम फिर चाय मिले रही सुबह। हाँ। उखर बाद चाय नहीं मिले, बोलथन बोले पर चाय पानी भर, लेकिन आज बना थे कई दिन सुखर बात की थे, फिर चक्कर नहीं है इसे के तो चाय हमारा नहीं मिले, एक आके दो दिन मिले है, नाश्ता एको दिन बस नहीं मिले। साबुन की व्यवस्था करेंगे? साबुन एक बार मिले है। हाँ, वो दो चार आदमी मिले है पर तो 60-70 आदमी है, बाकी सब जला नहीं मिल पाए, पूरा कंटिन्यू सबला नहीं मिले। अच्छा। हाँ, 17 जन महिला और पुरुष वो अलग अलग कमरा दे गए का? नहीं, एक सब। अच्छा, एक बात बताओ, ये शौचालय वगैरह की व्यवस्था है? हवा हवा शौचालय है, एक फोन हवा है, साफ सफाई वगैरह तो अभी हवा खुद कर था। हाँ। और मैं हमन जैसे जांच करे हैं नौकर हिसाब से तो ओपन है, बाहर पीछू साइड गिरते होकर रहे मल मूत्र। हाँ हाँ, है ना, बदबू आते है। खाली गोली भर देख गए? गोली बस देख गए हैं। खाना वाना अच्छा मिलते है? खाना दो टाइम भर देते है। नाश्ता सुबह आप लोग? कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं मिले। चाय मिलते? चाय भी नहीं मिले। चाय भी नहीं मिले। और का अलग से आप लोग कोई रूम वगैरह दे गए का? नहीं, सब लोग एक में है। वीरेंद्र कुमार नेता। अच्छा, हमने सुना है यहाँ पे जो क्वारंटाइन जो लोग रह रहे हैं उनके माध्यम से यहाँ जो शौचालय का व्यवस्था है ओपन डोर है, मल मूत्र बाहर जा रहे हैं, आजू बाजू गंदगी ज़्यादा है, उसके संबंध में बताइए क्या व्यवस्था नहीं की है आप यहाँ पे? नहीं, पूरा व्यवस्था है सर जी, दोनों सेफ्टी के बाथरूम खुला है। दो बाथरूम है? हाँ। हमको तो एक ही बताया, वो भी बाहर मल मूत्र जा रहे हैं, वहाँ पे बदबू ज़्यादा रहा, हमने खुद निरीक्षण किया वहाँ। पीछे में और है सर जी बाथरूम, आप लोग पीछे का नहीं दिखाया, पीछे में भी बाथरूम लेटरिन बाथरूम दोनों हैं। तो उसको साफ क्यों नहीं करा है जहाँ पे गंदगी है आजू बाजू? फिनाइल वगैरह डलवा रहे हैं सर जी डेली हम। तो गंदगी जो है ओपन डोर है वो वहाँ पे बाहर में ही मलमूत्र निकल रहा है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे हैं, लोग ऐसे ही बीमार हो जाएंगे। इनका व्यवस्था नहीं किए आप? उनको व्यवस्था करवाएंगे सर जी हम लोग। कब करवाएंगे? वो तुरंत करवा देंगे हम लोग। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग बोल रहे थे क्योंकि घर से खाना मंगा रहे, क्योंकि उनको सही समय पर खाना नहीं मिलता। टाइमिंग के हिसाब से सर जी हम डेली 9:30 बजे डेली खिला रहे खाना। अच्छा, उसके बावजूद भी इन लोग गाँव घर से अपने मंगाते हैं, मना भी किए हम लोग कि लाते हैं तो मत दो, ला के मत छोड़ो खाना करके, लेकिन यहाँ के लोग समझते नहीं, ला रहे तो क्यों मना करते करके हम लोग को खुद बोलते हैं लोग। नहीं तो पूरी तरीके से आपको मना करना चाहिए ना, बाहर घर के लोग अंदर में लाए, क्योंकि जब लाएंगे तो वो भी तो दूर हो जाएंगे ना उसके साथ में। यहाँ पहले उन लोग उस साइड थे सर जी, हाई स्कूल में भी तो हम लोग बी डी एस स्कूल में लाए हैं, पहले हाई स्कूल में था तो किचन में ला के छोड़ते थे। अच्छा। लेकिन गांव के आदमी चलो करके हम लोग ले जा कर छोड़ देते थे। अच्छा, गांव के हिसाब से एक मेहरबानी दिखा रहे हैं आप? नहीं नहीं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं? नहीं, उसको स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं हम लोग। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ क्वारंटाइन? यहाँ पर 80 लोग हैं। सभी एक ही रूम में रहते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग रूम में हैं। कितने रूम हैं वहाँ? यहाँ तो एक रूम में है और वहाँ 5 रूम है। वहाँ यहाँ एक रूम में कितने लोग रहते हैं? 17 है अभी। एक रूम में 17 लेडीज जेंट बच्चे सब एक? हाँ, एक साथ में। KSN 24 न्यूज़ के लिए कवर्धा से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट।